हम लोग ऊपर आ चुके हैं, हाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ से। देख नीचे आपको पीछे देख रहे हैं, हम लोग नीचे ग्राउंड से आए हैं, यहाँ से पूरा दिख नहीं पा रहा है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो आपको यहाँ पर रोड घुमाते हैं, पहाड़ के ऊपर है हम लोग, और देखते जाइए क्योंकि सनलाइट ज़्यादा है, इसलिए वीडियो साफ क्लीन साफ नहीं आ पा रहा होगा, तो लेकिन व्यू ज़बरदस्त है, घूमने का मज़ा ही कुछ और है। मेरे साथ मेरा दो भतीजा है, एक भांजा है पीछे, तो शायद आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे से वो लोग भी मस्ती करते आ रहा है। ऊपर आने के बाद मार्केट लगी हुई है, लेडीज़ लोग को ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि उसके मन मुताबिक सामान से बहुत ज़्यादा है, तो आप भी देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और छोटी छोटी चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा है जो लड़कियों को ज़्यादा पसंद आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। और हम लोग और ऊपर जाना है, हाँ ऊपर चलो फिर सीधा, हम लोग और ऊपर जा रहे हैं, अभी देखते हैं ऊपर में क्या है। हाँ देख रहे थे हम लोग कितना मजा आ रहा था। अगर कुछ सामान लेना हो पसंद का बोल सकते। आयजा थक गई है एकदम, आयजा को एकदम डर नहीं लग रहा है, मजा ले रही है आयजा, फुल्ली मस्ती मजा आ रहा है। ओह मजा आ रहा है तुमको आयजा? बहुत मजा, बोलो बोलो ना भाई, यहाँ देख के बोलो ना, यहाँ देख के बोलो कितना मजा आ रहा है तुमको। ये अभी नहीं बोलेगी, इसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रहा, आपको बैक करके यहाँ दिखाता हूँ पीछे क्या है एक्चुअली। विश्व शांति स्तूप, क्या विश्व शांति स्तूप, ये रहा विश्व शांति स्तूप, सबसे हाइट के ऊपर सबसे ऊंचे, यहाँ लिखा हुआ है ये। ऊपर आ चुके हैं विश्व शांति स्तूप के पास, मैं उसके चारों साइड का मैं नज़ारा आप लोगों को करा रहा हूँ। काफ़ी खूबसूरत है हाइट पे, लेकिन अभी सनलाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए गर्मी लग रही है, और थक भी गए हैं ऊपर आने से, थकावट भी हो गया है। ये रहा बहुत ज़्यादा मंदिरों का आसन है यहाँ पे, क्या मालूम है मंकी, मंकी का जो फीमेल होता है क्या बोल, लंगूर बोलते हैं, लंगूर लंगूर है ये। लोगों को चुके हैं विश्व शांति स्तूप के करीब, और यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, और बैक साइड बहुत काफ़ी खूबसूरत, लेकिन सन लाइट है इसलिए बैक दिख नहीं पा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी आएंगे तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि मेरे कैमरा का इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जो पीछे पूरा बैक दिखा सके, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अच्छा व्यू है जो मुझे भी काफ़ी पसंद आया। और काफ़ी हाइट पे हम लोग हैं, अच्छी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन सनलाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन सनलाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घूमने आए हैं तो थोड़ी सी हरासमेंट तो होगी, इतना तो करना पड़ेगा, लेकिन फुल्ली मस्ती हो रही है, मज़ा आ रहा है और सभी लोग मस्ती कर रहे हैं। चलिए मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ बैक कैमरा करके, और फिर कहिए कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाता हूँ पीछे का व्यू, आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को। यहाँ पे आए हैं लेकिन खाने पीने का सामान ऊपर लेके नहीं आए, नहीं तो बंदर बहुत उत्पात बंदर है यहाँ पे, तो
कमी नहीं है जो आपके हाथों से छीन के भागने को तैयार, इसलिए यहाँ पे आए तो काफ़ी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, हाथ में कुछ भी रहा तो छीन के भाग जाता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि खाने पीने का सामान आपके हाथों में ना हो। हम लोग यहाँ रोक लिए, जरिए वापस जा रहे हैं, ऊपर हम लोगों ने घूम लिया, फिर से वापस चले बैठने के लिए यार पैसे निकला जब भी पास। बैठने में थोड़ा टाइम लगता है यहाँ, क्योंकि मेरे पीछे बैग है, इसलिए थोड़ा डर लगता है यहाँ पर बैठ के, बैग कंफर्टेबल नहीं है और काफ़ी नीचे हाइट है, जो मैं आप लोग को कैमरा बैक करके दिखाता हूँ, नीचे आने में थोड़ा डर लगता है। और सब लोग मेरे साथ जो आए थे सब लोग पीछे गए, मैं आप लोग तो आप लोग को भी देखने में वो पीछे हमारे आगे अजमेर है और उधर कैबिन वाले में सब लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे साथ हमारी फैमिली के मेंबर हैं सब लोग उस कैबिन में हैं, मैं सिंगल में हूँ। और यहाँ का नज़ारा आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत है, और हाइट भी देख रहे हैं कितने हाइट ऊपर हम लोग आए हुए हैं, तो काफ़ी हाइट है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। वो सामने मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ, जो काफ़ी खूबसूरत है। तो जूम आउट कर देता हूँ मैं, तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है। बैक व्यू जो काफ़ी नीचे गहराई नज़र आ रही होगी आप लोगों को। तो काफ़ी मस्त व्यू, काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ से। काफ़ी ऊपर से नीचे दिख रहा है, हाइट ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत है। लोग आ रहे हैं, कुछ लोग की डर से हालत ख़राब है, तो डर लग रहा है कि नहीं? डर लग रहा है, डर महसूस हो रहा है। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा, कोई डर नहीं, मस्ती हो रहा है। ये भाई साहब जो आ रहे हैं इनको लग रहा है थोड़ा बहुत डर लग रहा है, और भाई डर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना, फुल्ली मस्ती हो रही है भाई लोग की। तो ये रहा साइड व्यू, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा तो मैं राउंड नहीं घूम सकता 360 डिग्री, बस साइड से ही साइड व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए काफ़ी खूबसूरत व्यू है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, पूरा पैसा वसूल है, कहने का मतलब ये है कि पूरा पैसा वसूल है। अच्छा लग रहा है। अब हम लोग आ गए वापस नीचे की तरफ, बस नीचे पहुंचने ही वाले हैं, कुछ दूर पे नीचे है वो सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है, वही वो कैबिन वाले का है स्टेशन, और हम लोग का स्टेशन उसके नीचे है, दोनों है यहाँ पे, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो उसमें बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, सिंगल में या कैबिन में। ये रहा कैबिन, ये कैबिन रहा, और ये तो आप देख ही रहे, सिंगल में आपको दिखा ही रहा हूँ, और इसका सामने का व्यू भी आप देखिए क्या खूबसूरत व्यू है, तो मज़े लीजिए। देखिए भाई साहब हंसते हुए जा रहे हैं, फुल्ली मस्ती कर रहे हैं, हम लोग भी बस आप पहुँचने ही वाले हैं। ये रही जो कैबिन से हम लोग के कैबिन से लोग आए थे वो पहुंच चुके हैं, हम लोग स्लो स्लो आ रहे हैं, कैबिन थोड़ा फास्ट है, हम लोग स्लो स्लो आ रहे हैं, यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं, उतर चुके हैं, अब जा रहे हैं नीचे बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा है। और हम लोग बाहर आ चुके हैं और चले बाहर की ओर, ये राउंड राउंड का चक्कर है, इसमें एक सिंगल बाई सिंगल जाना है और वापस बाहर आना है। तो हम लोग बाहर अंदर जाने की बहुत ही चलो, क्योंकि वन बाई वन लोग जाते हैं ना, इसलिए टाइम लगता है,
इसमें निकलने में हम लोग इसे